आज मैं आपको दिखाऊंगा होंडा सिटी HEV जो हाइब्रिड आई है। इसका 253 NM टॉर्क दिया है और ये बैटरी पेट्रोल पे एक साथ चलती है, पेट्रोल से चार्ज होती रहती है बैटरी। 23 लाख की ऑन रोड है ये। इसका LED हेडलैम्प, LED फॉग लैम्प है, ग्रिल वगैरह चेंज कर दिए, नीला सा दे दिया टेक्सचर इसका ग्रिल पे। और इसके साथ जो एक्सेसरीज हैं उसकी मैं दिखा देता हूँ आपको क्या है। ये इसके एक्सेसरीज की देख लीजिए, 40,000 रुपीज़ के एक्सेसरीज है इसकी। और इसके फोर डिस्क ब्रेक दे दिए नॉर्मल होंडा सिटी, 17.5 लाख का टॉप मॉडल है ये, 23 लाख का। 16 इंच की व्हील है इसका। और इसका देखिए इंटीरियर, ऐसा इंटीरियर है इसका। सनरूफ है बहुत अच्छी, बहुत बड़ी सनरूफ है। और ये स्टेयरिंग व्हील देखिए इसका, और ये स्पीडोमीटर बहुत ही खूबसूरत है इसका, गाड़ी जब ऑन करते हैं जब ही होती है। और नीचे स्पेस देखिए आप इसके, पार्किंग वाला ऑटोमेटिक है, ब्रेक होल्ड है इसमें, CVT आता है इसमें। नॉर्मल होंडा सिटी 145 NM टॉर्क है, इसमें है 253 NM टॉर्क। और इसकी सीटें बहुत ही आरामदेह सीटें हैं, लग्जेरियस। बैग स्पेस देखिए आप इसका, कितना ज़्यादा कम्फर्टेबल सीट है। नहीं मून रूफ नहीं दी, और ये LED लाइट्स हैं इसकी। दिखा देता हूँ डैशबोर्ड आपको, डैशबोर्ड खूबसूरत बहुत है इसका, वुड फिनिश का डैशबोर्ड है इसका। और स्क्रीन इसकी, पुश बटन स्टार्ट, सारे फीचर्स हैं इसमें। ऑटोमेटिक ORV में, यहाँ पे ट्विटर लगे हुए हैं इसके, स्पीकर्स हैं, कप होल्डर्स हैं, ये हैंड रेस्ट है इसका। ये 23 लाख की ऑन रोड है, ये हाइब्रिड है, बैटरी सेफ चलेगी, पेट्रोल से भी सपोर्टिंग सिस्टम है, बैटरी फुल नहीं चलेगी, बैटरी सपोर्ट करेगी पेट्रोल इंजन को। स्लो चलाएंगे तो बैटरी पे चलेगी और फास्ट चलाएंगे तो अपना पेट्रोल पे आ जाएगी। नॉर्मल होंडा सिटी का वो टॉर्क बहुत कम है। ये देखिए इसकी सीट पीछे की, पीछे AC वेंट्स हैं और सीट है तो ज़बरदस्त कंफर्टेबल है इसकी। और साइड में AC वेंट भी दिया हुआ है, पता नहीं क्या है। ZX टॉप मॉडल है ये। इसमें एक्सेसरीज फिट कर रखी है इन्होंने, डिग्गी पे स्पॉइलर है और ये क्रोम किट लगा रखी है, नीचे फाइबर का भी यूज़ है। बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये इसके स्विच हैं, ये इसका स्विच है, पुश स्टार्ट बटन का बटन है। सीट है इसकी ऑटोमेटिक नहीं है, मिसाल ट्रैक्शन कंट्रोल है और सेंसर का स्विच है, आगे के सेंसर भी ऑफ कर सकते हैं आप इसके। गियर नॉब बहुत खूबसूरत है, छोटा सा इसका। और ये जो दे रखा है ना सारा डैशबोर्ड, बहुत ही प्यारा डैशबोर्ड है, यानो फिनिश है इसकी। और तो सब यही है इसका। 115 BHP है इसका, सुई दिख रही होगी आपको, डिजिटल मीटर आता है इसमें। और पता नहीं किस चीज़ का स्विच है, आपको मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और नीचे ये USB सॉकेट्स हैं। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, पेट्रोल का नीचे लीवर सामने। थ्री 360 डिग्री कैमरा भी है मेरे ख्याल से इसमें। दिखने में तो नॉर्मल होंडा सिटी इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये ऐसी है होंडा सिटी, सामने से थोड़ा बहुत चेंज है। और नॉर्मल 17.5 लाख का टॉप मॉडल है। इसका इंटीरियर थोड़ा सेम जैसा ही है, ये नॉर्मल होंडा सिटी का इंटीरियर है देखिए, ये मैनुअल है। और ये एक्सेसरीज किट है पीछे, कोट वोट टांगने के लिए, ये सब डोर हैंडल और ये जो है क्रोम किट सब एक्सेसरीज में है। क्रोम लगा हुआ है ना, ये पूरा लाइट से ही आता। ZX नंबर 1 कंफर्टेबल गाड़ी है ये, शॉफर ड्रीवर लोग रहते हैं जिनके पीछे बैठ के लोग चलना पसंद करते हैं ना, उनके लिए गाड़ी ये बनाई है।
ये साइड कैमरा ऑन करने का स्विच है, साइड कैमरा ऑन हो जाता है इससे, साइड ग्लास पे लगा होता है इसका कैमरा। आगे से तो सब सेम ही है, लाइट वाइट फॉग लैंप, और उसमें 4 डिस्क हैं, इनमें 2 डिस्क आते हैं नॉर्मल में। इंटीरियर भी तो एक जैसा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। बहुत कॉस्टली कर दी उसको, इलेक्ट्रिक वाली को, बैटरी वाली को, पेट्रोल और वो इतना कोई फ़ायदा नहीं है। 26 का एवरेज बता रहे हैं उसका, 26 का देगी, 26 का कहाँ से दे देगी। स्पेस भी बहुत लगवा रखी है इन्होंने, लोग बहुत कम खरीदेंगे इसको मेरे ख्याल से, वो वाली ज़्यादा सेल होती है। आजकल 4th जनरेशन भी इनकी आ रही है, अभी बंद नहीं हुई, क्रोम ही क्रोम लगा रखा है हर जगह इन्होंने, बम्पर प्रोटेक्टर भी लगा हुआ। तो यही था इस ब्लॉग में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नए व्यूअर है मेरे चैनल को।